Okay, so we were discussing the three modes of transfer of heat. And that is by conduction, convection and radiation. Conduction mein kya hota hai? It occurs in solids. And there is transfer of energy from one material to another, which is in direct contact. Or we can say that there is direct the energy is transferred from one particle to the other in case of solids without actual movement of the particles. And all right, so isme agar hum ek metal ka stick use kar rahe hain while firing or while introducing fire, to aapka haath jo hai wo garam ho jayega. Uska reason ye hai ki heat will be transferred from fire to the metal because metal is a good conductor of heat. And wo isiliye wo word bhi aata hai conductor. ठीक है, तो इट इज अ गुड कंडक्टर. इट विल कंडक्ट द पार्टिकल्स. इन केस ऑफ सॉलिड्स आर वेरी नियर बाय, देयर इज नो स्पेस, सो दे ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर, देयर बाय हीटिंग अप द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. कन्वेक्शन में इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस. देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स. जैसे कि आपने हॉट एयर बलून में देखा है, हॉट गैस जो है फ्रॉम नीचे यहाँ पर आग लगी हुई है ना, देयर इज फायर ओवर हियर. सो दीज पार्टिकल्स यहाँ इसके ऊपर जो एयर है दैट गेट्स हीटेड अप एंड लाइट होती है. एयर जो हॉट एयर होती है दैट इज लाइट एंड इट राइजेस अप. और जब वो राइज अप करेगी उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए कोल्ड एयर जो है साइड से आएगी. इस तरह से कन्वेक्शन करेंट जो है वो सेटअप हो जाते हैं. सिमिलरली थिंग्स हैपन इन केस ऑफ लिक्विड ऑल्सो. तो देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, hot particles from the hotter end to the colder end. ठीक है, और इसी से जो ब्रीज भी है वो भी बनती है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, विल डिस्कस दैट ऑल्सो. एंड द लिक्विड्स गेट हीटेड अप. ठीक है, द थर्ड मोड इज रेडिएशन, जहां पर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सर्फेस. इट हीट्स अप द सर्फेस, इट हीट्स द सर्फेस विदाउट एक्चुअल हीटिंग अप ऑफ द मीडियम ऑल्सो. मीडियम की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर. ठीक है, सो माइक्रोवेव में जब हम चीजें गर्म करते हैं तो इट हीट्स अप द फूड इन योर व्हेन यू हैव केप्ट इट इन माइक्रोवेव बाय दोस माइक्रो रेडिएशंस. ठीक है, तो ये और हमारे को जो सन की हीट मिल रही है दैट इज आल्सो वी आर गेटिंग द हीट थ्रू रेडिएशन. सो यू हैव कम टू नो कि दीज थ्री मेथड्स आर देयर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब यहाँ पर एक ही पैन में वील डिस्कस कि हाउ ऑल दीज प्रोसेसेस आर अकरिंग. तो ये नीचे दिस इज द हॉट प्लेट दे हैव केप्ट इट. सो हीट इज ट्रांसफर्ड टू दिस मेटल पैन बाय कंडक्शन. ठीक है, एंड द वॉटर विच इज इनसाइड द पैन इज गेटिंग हीटेड अप बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. एंड हीट अगर आप साइड पे हैंड रखोगे तो हीट इज ऑल्सो नॉट ओनली बींग ट्रांसफर्ड टू द मेटल पैन, इट इज ऑल्सो बींग ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग्स. तो सराउंडिंग्स को जो हीट जा रही है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. ऑल राइट, तो दिस यू मस्ट रिमेम्बर कि वाइल दीज थ्री प्रोसेसेस आर देयर फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब हाउ द हीट इज बींग ट्रांसफर्ड. Now the next question is how convection currents are being developed in case of gases, especially gases. Liquids में भी होते हैं और gases में भी होते हैं, but we are talking first about the convection currents in case of gases. All right. So let me again show you. You have to. These are more examples. Some more examples of how the things are getting heated up by radiation. We get the when we keep our hands above the candle. That is. By the process of convection. लेकिन अगर आप साइड में रखते हैं तो आपको कम वॉर्म्थ मिलती है, that is by process of radiation. Sun's heat हमें वैसे ही मिल रही है. ये देखिए यहाँ पर इसने हैंड साइड में रखे हुए हैं, that is by process of radiation. If he keeps his hands over here, that is by process of convection. क्योंकि hot air जो है it will rise up. यहाँ पर जो इसके above air है that will get heated up.
और वो जब हॉट पार्टिकल्स होंगे दे विल लाइटर दे आर राइजिंग अप दैट इज बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ठीक है सो दिस इज फ्रॉम द साइड्स इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्योंकि हमने प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन पढ़ा है और कन्वेक्शन जो है इट इज सीन इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस तो ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम जो सन की हीट है वो लैंड और वाटर के ऊपर एक साथ आ रही है ना दोनों के साथ एक साथ ही आ रही है लेकिन द लैंड इज गेटिंग हीटेड अप एट अ मच फास्टर रेट व्हेन कंपेयर टू वाटर ये क्यों ऐसे होता है विल बी स्टडिंग इन हायर क्लासेस तो जब लैंड ज्यादा हीट हो जाएगा तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी वार्म हो जाएगी और ये वार्म एयर जो होती है ये लाइटर होती है सो इट विल राइज अप जब ये राइज अप करेगी ना यहाँ से लैंड के ऊपर से इट विल राइज अप इन एयर तो क्या होगा कि ये जगह के ऊपर एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी क्योंकि यहाँ से जो एयर थी वो तो यहाँ चली गई तो इसकी जो स्पेस है इस एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए फ्रॉम सी सी इज नॉट गेटिंग सी वाटर इज नॉट गेटिंग हीटेड अप सो मच सो उसके ऊपर की हवा जो वो कूल है तो कूल एयर फ्रॉम अबव द सी सरफेस विल मूव विल रश इन टुवर्ड्स द लैंड ठीक है टू कवर दैट स्पेस एंड ये हॉट एयर विल मूव टुवर्ड्स द सी क्योंकि यहाँ पर अब एक वैक्यूम यहाँ से ये एयर यहाँ मूव हुई तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई और नाउ दिस वार्म एयर विल मूव अप व्हेन इट कम्स हियर इट गेट्स कूलर एंड देन अगेन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन करेंट जो है ये जो कन्वेक्शन करेंट्स आर सेट अप एंड कूल ब्रीज फ्रॉम सी टू फ्लोस टूवर्ड्स द लैंड एंड दिस इज कॉल्ड एज सी ब्रीज अब नाइट में बिल्कुल ऑपोजिट होता है नाइट के टाइम पे ड्यूरिंग द डे सन की हीट से लैंड और वाटर दोनों कूल अप हॉट अप हो गए दोनों ही हीट अप हो गए तो दिन में तो चल रही थी कूल ब्रीज लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन पास होता जा रहा है वाटर इज ऑल्सो गेटिंग हीटेड अप ठीक है ना तो ग्रेजुअली बाय आफ्टरनून बाय इवनिंग तो ये वाटर के ऊपर वाटर भी है वो भी हीट अप हो गया तो उसके ऊपर की भी एयर जो है वार्म हो गई अब क्या होगा जब नाइट हुई तो लैंड जो था वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा अगर वो जल्दी हीट अप हुआ था तो वो जल्दी कूल डाउन भी हो रहा है बट वाटर विल टेक टाइम टू कूल डाउन ठीक है तो अब लैंड क्योंकि जल्दी कूल हो गया तो उसके ऊपर की एयर जो है वो कूल है और कूल एयर जो होती है वो हैवी होती है सो इट स्टेज नियर द सर्फेस ओनली ठीक है तो अब क्या हुआ जब ये कूल एयर अब लैंड सी के ऊपर जो वाटर था जो एयर थी वो हीट अप हुई हुई है इट इज टेकिंग टाइम टू कूल डाउन तो ये जो इसके ऊपर की एयर है वो हॉट होगी हॉट एयर राइज अप करेगी उसके अगर जगह जो यहाँ जगह बनेगी एम्प्टी स्पेस बनेगी उसको कवर करने के लिए कूल एयर फ्रॉम लैंड विल मूव टूवर्ड्स द सी टू कवर दैट प्लेस एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड दैट फॉर्म्स द लैंड ब्रीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड तो दैट इज ऑल अबाउट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि देर आर सर्टन कलर्स विच एब्सॉर्ब पर्टिकुलर रेडिएशंस जो व्हाइट कलर होता है ना दिस व्हाइट कलर ये सबसे कम हीट को एब्सॉर्ब करता है व्हाइट कलर जो है लाइट कलर्स जो है दे रिफ्लेक्ट हीट ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं अब रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा क्योंकि वो एब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं हीट तो रिमेन कूल ठीक है लेकिन जितने डार्क कलर्स हैं ये ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं इसीलिए जो घर की वॉल्स होती हैं जो हम समर्स में हम लोगों को व्हाइट कलर क्लोथ्स या लाइट कलर क्लोथ्स पहनने पसंद होते हैं वी डोंट टेंड टू वेयर डार्क कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर क्योंकि डार्क कलर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन वी टेंड टू फील वेरी हॉट ऑल्दो वी माइट बी वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स ओनली बट कॉटन में भी हम प्रेफर करते हैं कि इट शुड बी लाइट कलर्ड क्लोथ्स विंटर्स में वी प्रेफर दैट वी शुड द कलर शुड बी डार्क एंड वी फील वार्म नेचुरली वार्म बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट That is the reason why we prefer certain color preferences for summer and for winter season. That is for all for this chapter. Now, if you have any doubt, you can tell me your doubt. We can discuss that. Okay, beta, we start with the last chapter, wastewater theory or story, sorry. What is wastewater? जितना भी used water है उसको हम wastewater कहते हैं. ये wastewater जो होता है, it is rich in lather. It is mixed with oil.
ब्लैक ब्राउन कलर का होता है जो कि हमारे ड्रेन से, हमारे सिंक से, शावर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से, जितना भी वेस्ट वाटर आ रहा है, ये सारा का सारा यूज वाटर जो आ रहा है दैट इज वेस्ट वाटर. एंड यूज वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वेस्ट यूज वाटर जो है इट कैन बी रीयूज आफ्टर क्लीनिंग इट, एंड दैट वे वील कंजर्व वाटर ऑल्सो एंड वील सेव द प्रेशियस ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, हम अपने ड्रिंकिंग वाटर से ही सारा ये प्रोसेसेस करते हैं, इवन इन टॉयलेट्स. दैट इज द मेन कंसर्न. एंड बाकी जगह तो चलो हमें वी नीड गुड वाटर, बट स्पेशली इन टॉयलेट्स इफ वी कैन बाय एनी प्रोसेस यूज रीयूज्ड वाटर, देन दैट विल सेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, गुड वाटर, ड्रिंकिंग पोटेबल वाटर. क्लीनिंग ऑफ वाटर जो है दैट इज यूज वाटर या वेस्ट वाटर की जो क्लीनिंग होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, इट इज रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसमें से बिफोर इट इज रीयूज्ड और रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, तो उसकी क्लीनिंग होती है. अब वेस्ट वाटर जो है जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा भी मिक्सड है, होम से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल, ऑफिस या बाकी सभी जगह से जहां से भी आ रहा है, उस वेस्ट वाटर को या यूज वाटर को हम कहते हैं सीवेज. अब ये क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड रेन वाटर ऑल्सो. मतलब ये जो चीजें हमने पहले लिस्ट की हैं वो सारा तो है ही है वेस्ट वाटर. उसके अलावा जो रेन वाटर हमारी छतों के ऊपर आता है और छतों से हमारी जो रूफ टॉप से जो नीचे रन डाउन करता है ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड रोड्स, वो भी इंक्लूड होता है सीवेज में, क्योंकि इट हैज बिकम वेस्ट नाउ, इट कैन नॉट बी यूज्ड. That means sewage is a liquid waste and it has a large number of suspended impurities to be dissolved or undissolved ho sakti hai, jinko hum kehte hain contaminants. Ab ye hain kuch important constituents aap keh sakte hain of sewage, matlab ki sewage mein kya kya hai. It is a complex mixture, isme bahut sari suspended